गलतियां नहीं रहती उस पर अपनी वॉच करना चाहिए। वो क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हैं, बाहर घूमते पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं। अभी जो नंबर लिया कम्युनिटी के अंदर जो लोग आए, जो सब्जी है, इलेक्ट्रिशियन है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, कोई रिक्शा चालक है, उनका काम है जिसको प्रॉब्लम आ गए जिसको मदद है वही टाइप पर मदद है, किसी को रोको मत। अभी जो पीरियड सिचुएशन है ये एक दूसरे के लिए हेल्प करने की मदद करने का टाइम, बाकी तो मामले मिलने मामले। थैंक यू। अभी जो सीपी साहब ने गाइडलाइंस निकाले हैं कि अच्छे के लिए कि भी कम से कम अपने महल्ले में कोई चीज़ हो जाए तो अनाज या रिक्शा या तरकारी कोई भी चीज़ हमको पहुंचाए, तो ये नौजवानों को इस बात से ले लिए कि कभी भी आजकल लाइट का काम है सब लोगों को काम के लिए पहुंचाए, लेकिन हम दूसरे दूर दूर रह करके एक जगह काम करें। साथ ही साथ ये बीमारी की एक वजह भी है साहब, मैं आपको बताता हूँ भैया साहब, ये 10x10 के कमरे है साहब, 10x10 के कमरे में 5-7 फैमिली रहती है और उसमें चूल्हा भी वहीं पकाना भी वहीं, वो ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बड़े बड़े बंगले हैं जो डिस्टेंस रह रहा है उनमें ज़रा बीमारी कम है, तो ये जो छोटे छोटे घर वाले ये ज़रा कैसा एहतियात करें वो बहुत देखने की चीज़ है वहाँ लेडीज में या जेंट्स में। और पहली बात ये है जिसको खांसी हो, बुखार आए, यानी ये जो बीमारी की बता रहे इसके अंदर जुकाम आए, तो ये 3 दिन तक के गले में जरासीम रहते हैं। हम दवाखाने को जब भी बता दिए तो अच्छा होता, बात देने क्या करते रोक के रखते, रोक के रखने में पेशेंट बढ़ जाता, जल्दी जाता को सके। अब जल्दी अगर बताए आप में से कोई भी हो हमारे पास आ जाओ तो कम से कम दवाखाने में बताए तो उसका इलाज होने की कोई चीज़ होंगी। और साथ ही साथ जब गवर्नमेंट अपने पास कर रही है काम, अब ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, अफवाह, ये गलत बातें हो रही। अब जैसे आज रेलवे स्टेशन पर सर्वे करने को आए तो आपने उनका कागज फाड़ डाले, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर एक जगह आपको पेशेंट मिल जाए तो 3 किलोमीटर तक सर्वे होता है, उनसे नाम पता पूछते हैं, इस बात से पूछते हैं कि अगर सील क्लोज कर दिए तो घर के ऊपर आपका अनाज है, ये जो यादी बना रहे हैं, अगर कभी खुदा कोई पेशेंट निकल जाए तो क्लोज कर देते महल्ले, अगर आपको लाइट चलेगी तो आप फोन करें तो आपका लाइट का काम होगा, तरकारी आपको पहुँच जाएगी, अनाज आपको पहुँच जाएगा। तो कुछ टीचर आके सर्वे करने वाले कि भाई आपका नाम क्या है, घर में कितने लोग हैं, वो पूछ रहे हैं लोग, एनआरसी की बात नहीं है, लोग गलत फहमी में ना आ जाए।